रंगों का त्योहार होली गोड्डा जिला में संपन्न हो गया। होली सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो इसको लेकर जिला प्रशासन एक सप्ताह पूर्व से ही तैयारी शुरू कर देती है। थाना स्तर से लेकर जिला स्तर तक शांति समिति की बैठक आयोजित की जाती है। तरह तरह के निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन उन निर्देशों का कितना पालन होता है इसकी एक वानगी देखने को मिली गोड्डा जिला में। जिले के महगामा थाना क्षेत्र में कल होली के दिन दो ऐसी घटना घटी जिसकी चर्चा आज हर जुबा पर है। एक तरफ थाना परिसर में पुलिस कर्मियों की शराब पार्टी का वीडियो वायरल हुआ, तो दूसरी तरफ एक किशोरी की हत्या कर दी गई। आज किशोरी का शव बरामद हुआ। दरअसल जिले के महगामा थाना क्षेत्र के गोविंदपुर पहाड़ के समीप आज गुरुवार की सुबह एक किशोरी का शव लोगों ने देखा, तो इसकी सूचना महगामा थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही दल बल के साथ SDPO स्थल पर पहुंचे और सबको अपने कब्जे में लिया। किशोरी कल यानी होली की शाम से ही लापता हो गई थी। वह देर शाम अबीर लेकर अपनी सहेलियों के घर जाने की बात कहकर निकली थी, जो देर रात तक नहीं लौटी। माता पिता और परिजनों द्वारा रात 9 बजे के बाद से उसके मोबाइल पर कॉल किया जाने लगा। मोबाइल बंद मिलने पर इसकी सूचना महगामा थाना को दी गई। आज उसका शव गोविंदपुर पहाड़ के पास खेत में मिला। लड़की के सर पर किसी धारदार हथियार से वार कर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए गोड्डा भेज तहकीकात में जुट गई है। वहीं दूसरी तरफ इस घटना के बाद एक वीडियो तेजी से आज सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा, जो महगामा थाना परिसर का है, जहां कुछ पुलिसकर्मी होली के गीत पर शराब के साथ ठुमके लगाते नजर आ रहे हैं। वीडियो के वायरल होते ही लोगों द्वारा इस पर प्रतिक्रिया भी दी जाने लगी। वायरल वीडियो गोड्डा SP नाथू सिंह मीना के पास भी पहुंच गया। SP ने इसकी जांच की जिम्मेदारी महगामा SDPO को सौंपी। SDPO ने अपने जांच में वीडियो को सही पाया, जिसके आधार पर SP ने कार्रवाई करते हुए 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित करते हुए लाइन हाजिर कर दिया। निलंबित पुलिसकर्मियों में ASI विपिन बिहारी राय और RK सिंह तथा 3 आरक्षी सत्येंद्र नारायण सिंह, कृष्णा कुमार सिंह तथा प्यारे मोहन सिंह शामिल हैं। ये मामला ये है कि गोविंद पहाड़ के नज़दीक जो समतल जमीन है उसमें एक डेड बॉडी मिला है बच्ची का, और देखने से बच्ची नाबालिग लगती है और उसके सर पर जख्म है और मामला हत्या का प्रतीत होता है। तो क्या अब तक कुछ सुराग लगवाया है? पुलिस द्वारा आकर डेड बॉडी का मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार किया गया है और उसको अभी पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है, और हम लोग छानबीन कर रहे हैं कि किसके द्वारा ये घटना किया गया। कहाँ का बच्चा कुछ पता चल पाया? अभी हम लोग सब पता कर रहे हैं। समय समय पर झारखंड पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठते रहे हैं। गोड्डा के महगामा थाना क्षेत्र की घटना ने एक बार फिर पुलिस महकमा को कठघरे में खड़ा कर दिया है। अब इस घटना को लेकर राजनीति भी होगी, क्योंकि सरकार को घेरने के लिए भाजपा को बैठे बैठाए एक मुद्दा मिल गया। राजनीति अपने स्थान पर है, वह चलती रहेगी, लेकिन यह सत्य है कि अगर कल शाम परिजनों की सूचना पर महगामा थाना की पुलिस सक्रिय होती तो शायद किशोरी की जान बच सकती थी। द न्यूज़ पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।